स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आठवीं बोर्ड रिजल्ट की। तो जल्दी इंतज़ार ख़त्म होगा, आठवीं बोर्ड का रिजल्ट जल्दी घोषित होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, आठवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 28 मार्च से अप्रैल के शुरुआती वीक तक आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट शीघ्र ही घोषित होने वाला है, जिसकी डेट घोषित कर दी गई है। यानी अगले वीक यानी सोमवार को आठवीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, जिसके तहत हम आपको बता देते हैं कैसे आपको बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर जाकर रिजल्ट चेक करना होगा, कैसे आप देख पाएंगे। उसके बाद पांचवी बोर्ड परीक्षा का भी रिजल्ट घोषित होगा। तो सबसे पहले आठवीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा, फिर पांचवी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको क्रोम में शाला दर्पण जैसे टाइप करोगे तो वहाँ पे फिफ्थ और एट्थ एग्ज़ाम का एक पोर्टल शो होगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी पांचवी बोर्ड परीक्षा का शो होगा। इस पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिख रही होगी, थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इधर की साइड में आप देख रहे होंगे रिजल्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, जो कि रिजल्ट जारी होने पर ये ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हो रहा है। जैसे आपका रिजल्ट घोषित होगा तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन होगी रिजल्ट की, जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह जानकारी या नाम से जो भी ओपन होगा उसमें आपको डालना है, और कैप्चा डाल के आप मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। इसका भी वीडियो हम अलग से आपको डाल देंगे किस तरह से आपको रिजल्ट देखना है, और हम डायरेक्ट आप इस पेज पे कैसे पहुंच सकते हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो शीघ्र ही आठवीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा, तो अगले सप्ताह यानी सोमवार तक आपको रिजल्ट आठवीं बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा निदेशक घोषित करेंगे, जिसमें आठवीं बोर्ड में वैसे फेल का प्रावधान भी किया गया है। यदि दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में विद्यार्थी फेल होता है तो उसको फेल घोषित किया जाएगा, यानी अगले कक्षा में क्रमांतर नहीं किया जाता है। जबकि पांचवी बोर्ड में कोई फेल का नियम नहीं है, जिसमें विद्यार्थी को पांचवी बोर्ड परीक्षा दोबारा दिलवाई जाएगी और प्रमोट किया जाएगा, जबकि आठवीं में फेल का प्रावधान किया गया है। चुनाव की आचार संहिता होने के कारण शिक्षा निदेशक द्वारा ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो शीघ्र ही आठवीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा, जिसमें करीबन 12 लाख विद्यार्थी बैठे थे और पांचवी बोर्ड परीक्षा में 14 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट शीघ्र घोषित होगा। तो वेबसाइट के ऊपर आप रिजल्ट देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।